छठी मैया की महिमा। बहुत समय पहले की बात है, एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठी मैया को बहुत मानती थी, उनकी परम भक्त थी। हर आने वाली कार्तिक माह की छठ को छठ मैया का व्रत करती थी। परंतु उसकी बहू थोड़े खुले और नए विचारों वाली थी। उसे इस पूजा पाठ इस सब पर विश्वास नहीं था और उसका कहना था यह सब केवल एक अंधविश्वास मात्र है। इस बार भी छठ का पर्व आने पर बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ियां तोड़कर लाने को बोला और खुद भी सारी पूजन सामग्री बाजार से खरीद कर लाई। और जब दोनों माँ बेटा छठी मैया की पूजा की तैयारी में लगे थे तो बहू मुंह छिपाकर उन दोनों पर हंस रही थी और कह रही थी, अरे माई, ये दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई और अभी तक तुम इन्हीं चक्करों में पड़ी हुई हो। तब बूढ़ी माई उसे समझाते हुए बोली, बहू, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। माता कण कण में विराजती है, वो हमारे अन्न धन पुत्र सभी की रक्षा करती है। लेकिन पढ़ी लिखी बहू पर माता की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी माँ अपनी मस्ती में छठ मैया की पूजा की तैयारी में लगी थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई तो उसने बहू से कहा, आ बहू, छठ मैया की कहानी सुन ले। परंतु वह नहीं मानी और बोलने लगी, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप अभी इन्हीं बातों में लगे हुए हो। मुझे कोई कथा कहानी नहीं सुननी है माई, ये सब बेकार की बातें हैं। बुढ़िया माई बहू की बातें सुनकर चुप रही और अन्य आस पड़ोस की औरतों के साथ उसने छठी मैया की कहानी कही और सुनी। बहू मुंह बनाते हुए अंदर चली गई और बोली, इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते रहते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और बोली, अरे बहू, शादी के बाद मेरे भी कोई संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत किया और तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। माता की अनुभूति हमें कण कण में होती है, मेरी बात मान और तू भी छठ मैया के व्रत को कर ले तो छठ मैया तेरी भी गोद को भर देगी। मगर नए युग वाली नए विचारों वाली बहू की सोच उसे यह सब मानने से रोक रही थी। वह मुंह को टेढ़ा करके सासू माँ से बोली, अरे मुझको कौन सा दुख है, आप कुछ भी करो, मैं यह पूजा पाठ नहीं करूंगी। मुझे सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिल रहे हैं, आलीशान घर है मेरे पास, दिन भर मस्त रहती हूँ, पूरे गांव में हम जैसा धनवान कोई नहीं है और मुझे यह सब दिखावटा करने की जरूरत नहीं है। और सासू माँ, कर्म ही प्रधान होता है इस दुनिया में, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी और बार बार छठ माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां आया और उसने भी समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की। उसने कहा, देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है, तुम भी व्रत और पूजा करने में माँ का सहयोग करो। लेकिन उसने अपने पति की भी एक बात नहीं मानी और अपनी ही धुन में लगी रही। हार कर दोनों माँ बेटा बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। इसके बाद बेटा बोला, मैं छठ मैया का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के श्री चरणों में अपने सिर को झुकाकर उनकी वंदना कर सके। ऐसा कहकर बेटा हाथ में कुंडल लिए घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है और हर तरीके से अपनी माँ की
पूजा की तैयारी करने में मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठिकुआ सिखवाता है। पूरी भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हुए माँ की आरती और वंदना करते हैं और बूढ़ी माँ का बेटा घर को और द्वार को गाय के गोबर से लीपता है और छठ मैया को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। यह सब देखकर बहू नाक मुंह सकोड़ने लगती है। अरे ये कैसा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, कितनी दुर्गंध आ रही है। बहू को समझाते हुए बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा तू तो पढ़ी लिखी है, तुझे पता होना चाहिए जिस गोबर से तुझे दुर्गंध आ रही है उसमें कितने रसायन पाए जाते हैं, वह कितनी बीमारियों को दूर करता है। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई, झुंझलाकर बूढ़ी माँ से बोली, पहले तो लकड़ी पर ठीकुआ बनाया है और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर बना दिया है। उन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला, देखो तुम माँ से झगड़ा मत करो, अब तुम जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है, मैं बाजे वाले को बुलवा कर लाता हूँ। और फिर वे सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह सिर्फ समाज के डर से बूढ़ी माँ और बेटे के बहुत समझाने पर घाट पर आने के लिए तैयार हुई थी। जैसे ही घाट पर पहुँचती है तो वह पूजा करने के बजाय मेला घूमने लग जाती है। कुछ देर के बाद उसका पति बहू को न पाकर उसे ढूंढने लग जाता है। बहू एक हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते हुए नजर आती है। उसका पति उससे भी कहता है, अरे यह तुम क्या कर रही हो, यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी ने झुंझलाकर बोला, न जी मैं पूजा पाठ करने नहीं बैठूंगी, न ही घाट पर आने वाली हूँ, मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी, तुम अपना पूजा पाठ करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बहस को बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा होकर पति वहां से चला गया और छठ घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करके बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने को डुबकी लगाता है तभी घाट पर उसका पैर फिसल जाता है और वह डूबने लगता है। जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को यह आवाज कहां से आ रही है यह पता ही नहीं चलता। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे कोई तो पानी में उतरो, कोई तो उसे ढूंढ कर लाओ। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता चलता है कि उसका बेटा नदी में डूब रहा है तो वह छाती पीट पीट कर रोने लगती है और छठ माता से सवाल करती है, अरे माँ ये तूने क्या किया, तू भी तो एक माँ है, एक माँ होकर एक माँ से उसका बेटा छीन रही है। जब से मेरी शादी हुई है 30 सालों से मैं तेरी पूजा करती आ रही हूँ, अब बोल माँ मेरी भक्ति में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो तू मेरी गोद को सूना करने पर लगी है, मुझसे या मेरे लाल से कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करो, मैं और मेरा बेटा तो तेरी पूजा करने आए थे और तूने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो उसकी सजा तुम मुझे दो, मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल मुझे लौटा दो, यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये बूढ़ी भक्त इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। मेले में बार बार लाउड स्पीकर पर घोषणा करके लोगों को आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि घाट के गहरे भाग में ना जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है, पानी में आगे जाने पर खतरे की आशंका है, यदि कोई भी नदी के गहरे भाग में गया तो उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी, अतः कोई भी आगे की तरफ गहरे भाग में ना जाए। यह सब सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी घाट पर आती है। वहां जाकर देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है और उसका पति नदी में डूब गया है, तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और पागलों की तरह ईख को इधर उधर उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बुढ़िया माँ से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था
कि इस पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है, मत पड़ो इसके चक्कर में, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। इसी सब के कारण मेरा पति आज मुझसे दूर हो गया है। यह सब कह कहकर वह अपनी सासू माँ और छठ मैया को कोसने लगी। उधर बूढ़ी माँ का विलाप सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के हृदय पसीज गए और वे मन ही मन छठ माता को पुकारने लगे कि हे माँ, इस बूढ़ी माँ की पुकार सुनो। छठ मैया, लेकिन छठ मैया तो है ही दयालु, वह अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है, उनको कभी भी निराश और दुखी नहीं होने देती, कभी उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ती। इधर पुत्र के वियोग से बूढ़ी माँ अपनी जान देने पर आतुर थी, वह बस पानी में जाने ही वाली थी कि तभी नदी के अंदर से एक तेज बहाव आता है और उसके साथ उसका बेटा भी बाहर आ जाता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से उसको जल्दी जल्दी पानी से निकालते हैं। सभी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। बहू भी खुशी से अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती और रो रो कर छठ माता का धन्यवाद करती है। तब छठ माता बोलती है कि पुत्री, मैं कभी किसी का अहित नहीं करती, मैंने तुम्हारी आंखों का अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तेरे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठ माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और सभी भक्तों ने छठ माता के नाम के जयकारे लगाए। सास, बहू और बेटे ने खुशी खुशी मिलकर छठ माता की पूजा की। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।